या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज अहमद लांगा है, मैं जामशरों का रिहायशी हूँ। ये मेरी बेटी है, तेरा जनूर 7 साल की है। आज से 3-4 महीने पहले माशाल्लाह से जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे खिलखिला गया, हंसती थी, घूमती थी, फिरती थी, नखरे करती थी। 3 महीने पहले से टाइफाइड हुआ, आगा खान का हैदराबाद में लेके गए, उन्होंने 5 दिन का डोज लगाया, फिर कहा कि बच्ची को डोज लग गए, अब आप घर चले जाए। 2 दिन जब घर में रहे तो फिर बच्ची की हालत बिल्कुल डाउन होती चली गई। उसके बाद फिर आगा खान हैदराबाद गए, उन्होंने कहा कि केस हमारे समझ से बाहर है, आप आगा खान कराची जाओ। आगा खान कराची आए हैं तो उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे इमरजेंसी में रखने के बाद हमारे पास आईसीयू में जगह नहीं है, आपको लियाकत नेशनल भेज रहे हैं। फिर हम लियाकत नेशनल में गए, लियाकत नेशनल में पहले दिन को ही बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा है, और जैसे बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा है और एनजी ट्यूबियां नाक में लग रही है तो बच्ची यूं बिल्कुल डाउन गई है। 3रा महीना है तब से बच्ची वेंट पे, जब वेंट पे डाला था तो नाक में नलकी लग गई थी। 1 हफ्ते के बाद बच्ची का ये हाल देखें, बच्ची का गला काट के यहाँ पे वेंट डाला हुआ है। 1 महीना पूरा हम लियाकत नेशनल में थे, ये देख सकते हैं आप, ये गला काट के यहाँ पे पाइप लगाओ इसका वेंटिलेटर का। 1 महीना लियाकत नेशनल में हम रहे, 1 महीने को गुजारमो ने 24 लाख रुपए का बिल निकाला है। मैं गरीब मजदूर बंदा, मैं 3 साल सऊदी में रहा हूँ, वहां पे अपने बच्चों का पेट पालता था, इस बच्ची के लिए मैं वापस आया। जो मेरे असासे थे, जो भी घर में मेरे असासे थे, थोड़ा बहुत सोना था अम्मी का, घरवाली का, सास का, साली का, वो सारा बेच के, घर में जो जो कीमती चीजें थी वो सारी बेच के, हत्ता के घर भी बेच दिया। फिर इनका जाके बिल मैंने क्लियर कराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि होम वेंटिलेटर पे जाएगी। अब आप सारा कुछ देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर पड़े, 1 सिलेंडर है 7,000 का, ये डेली का 1 सिलेंडर लगता है, ये वेंटिलेटर वाली मशीन पड़ी हुई, ये छोटा पोर्टेबल वेंटिलेटर है, ये उसकी स्क्रीन है काल दो, वो नीचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पड़ा है, नीचे सक्शन मशीन पड़ी है, ये बेड पड़ा है। इनका कुल मिला के जो खर्चा होता है 5 लाख रुपए का होता है महीने का। अब इस 23 तारीख को मैंने 5 लाख रुपए अदा करने थे जो मैं अदा नहीं कर सका। वेंटिलेटर जो होम सर्विस दे रहे हैं उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपसे ये सारी सर्विसेज ले जाएंगे, जब ये पाइप निकलेगा, ये वेंटिलेटर हट जाएगा तो मेरी बच्ची जिंदा नहीं रह सकेगी। ढूंढ रही है रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना।